पेटीएम बाय द वे 10% और निचले सर्किट पर अब दिख रहा है आपको। कुछ खबरें भी आ रही हैं जहाँ तक पेटीएम का सवाल, इस बार रॉयटर्स के हवाले से कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं। ओवरसीज ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी गई हैं, ये इंटरेस्टिंग है और ये आई थिंक और थोड़ा सीरियस मैटर बन रहा है इनके लिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। उन्होंने पेटीएम के जो पेमेंट्स बैंक हैं उसकी जो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी डिटेल्स मांगी हैं। अभी हमने आज सुबह ही खबर भी आई थी कि ईडी की तरफ से भी जांच शुरू हो गई है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यहां पर जांच शुरू कर रही है और साथ में आप देख रहे हैं गवर्नर साहब ने तो कह दिया कि कोई रीथिंक नहीं होने वाला है। तो परेशानियां बढ़ रही हैं पेटीएम के लिए, स्पेशली जो इनके पेमेंट्स बैंक का ऑप्शन था। ऑलरेडी हमने देखा है, गवर्नर साहब ने भी हाईलाइट किए थे, कुछ लैप्सेस हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात की गई थी। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी यहाँ पर जांच कर रही है, उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं ओवरसीज ट्रांजैक्शंस की। तो और बड़ी परेशानी पेटीएम के लिए आ रही है, 10% के निचले सर्किट पर शेयर आपको दिख रहा है, 350 के भी नीचे इस समय है। पेटीएम परेशानी इसके लिए और बढ़ रही है, नजर रखेंगे और जैसे जैसे कुछ भी